नमस्कार, सिर्फ गाइड स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, वो है राजनीति शास्त्र। वो सब्जेक्ट का नाम है, चलिए राजनीति शास्त्र, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन मैंने छाट कर रखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी का सर्वप्रथम केंद्र कहाँ था। तो भारत में जो सर्वप्रथम केंद्र खुला था वो कंपनी का, विदेशी कंपनी जो है उसका सर्वप्रथम केंद्र सूरत में खुला था, तो वो स्थान सूरत है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर ने सूरत में कारखाने की स्थापना करने की अनुमति दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि सूरत मतलब कि सर्वप्रथम कारखाने स्थापना करने की अनुमति किसने दी थी। तो सर्वप्रथम कारखाने स्थापित करने की जो अनुमति है वो मुगल बादशाह जहांगीर ने दिया था। जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर के पुत्र था। तो अगला क्वेश्चन है, सन 1757 ईस्वी में अंग्रेज प्लासी की लड़ाई में बंगाल की अंतिम शासक सिराजुद दौला को हराकर बंगाल का वास्तविक संस्थापक बन गया। तो यहाँ तो दो तीन क्वेश्चन निकल जा रहे हैं इस क्वेश्चन से। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये निकल रहा है कि प्लासी की लड़ाई किनके किनके बीच में हुई थी। प्लासी की लड़ाई पहला तो अंग्रेज हो गया, और दूसरे बंगाल की अंतिम शासक जो है सिराजुद दौला के बीच में हुआ था। तो दोनों में हार किसकी हुई थी? सिराजुद दौला की हार हुई थी, और अंग्रेज इस युद्ध में जीत गया था और बंगाल का वास्तविक संस्थापक बन बैठा था। अगला है, प्लासी के जीत से ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। प्लासी की जीत जो थी वो उसी के साथ अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई थी भारत में। सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर के युद्ध के साथ ही कंपनी की स्थिति में और भी मजबूत हो गई। उस समय कंपनी और भी अच्छे से अब शासन करने के लिए उभर गई 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से। अगला है, सन 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। अगला क्वेश्चन जो है, 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया गया, तो ये शासन की तरह और शासक की तरह शासन करने लगे। अगला है, भारत में ब्रिटिश राज को व्यवस्थित करने तथा उसे स्थापित करने एवं मजबूत करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ये प्रस्ताव आया कि भारत में जो ब्रिटिश राज है उसको और भी व्यवस्थित कर दिया जाए। तो उसे व्यवस्थित स्थापित करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। अगला है, इस एक्ट 1700 मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन गया था। मतलब बंगाल का पहले जो गवर्नर हुआ था तो वो अब गवर्नर जनरल बन गया था। वारेन हेस्टिंग ऐसा था जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अरे बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। इसी एक्ट में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में ही 24 सदस्यीय निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था, डायरेक्टर बोर्ड का गठन किया गया था। अगला है, गवर्नर जनरल की परिषद को कंपनी के पोर्ट विलियम सेटलमेंट के प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था के लिए विधि कानून बनाने की शक्ति प्राप्त की। गवर्नर जनरल की परिषद जो है वो कंपनी को के पोर्ट विलियम सेटलमेंट के प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यही जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसके द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट आज इंडिया में स्थापना किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के ही।
अगला है, इस एक्ट से ने पहली बार कंपनी के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया। भारत देश में जो संविधान इस समय लिखित संविधान चल रहा है वो इसी एक्ट का नतीजा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार कंपनी के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। यह एक्ट 11 वर्षों तक चला था, मतलब 1773 का जो एक्ट है ये 11 वर्षों तक चला था। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित हुआ। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी जिसे दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस एक्ट ने कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया था। जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट है इसी के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था, इससे ये लोग तीनों राज्य में कानून बनाने लगे। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। मतलब कि ये जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके तहत व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप है जो दोनों कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, उससे पहले ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। अगला है क्वेश्चन, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना सम्राट करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसकी स्थापना सम्राट किया था और तथा इसमें 6 सदस्यों वाली बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते हैं ये पूछा जाएगा, तो 6 सदस्य वाली बोर्ड का गठन किया गया था। अगला है, 1793 ईस्वी को चार्टर अधिनियम पारित हुआ। 1793 ईस्वी जो है का जो चार्टर अधिनियम एक्ट है वो उस समय पारित किया गया 1793 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम 1793 का अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि का भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था है। क्योंकि उस अधिनियम से जो भी ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी थे उन सभी का भारत के राजस्व भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किया गया। अगला है, 1813 का चार्टर सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने का छूट दे दिया गया। जो 1813 का चार्टर अधिनियम जो था चार्टर सभी ब्रिटिश निवासियों को व्यापार करने का छूट दे दिया गया था। और आगे चलते हैं, व्यापार करने का छूट दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसी एक्ट में चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है, विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों के भारत में प्रवेश को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसी एक्ट के तहत विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों के भारत में प्रवेश को, मतलब कि ईसाई मिशनरी जो है उनको भारत में आने के लिए वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान कर दिया गया था। अगला है, 1833 का अधिनियम बहुत परिवर्तन किया गया। इसमें बहुत परिवर्तन किया गया, इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था और इसका कार्य केवल शासन करना रहा, मतलब कि अब कंपनी एक शासक के रूप में उभरी थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।